हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फूडीफाई दी ऑफिशियल में। मैं पूनम आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, स्वादिष्ट और चटपटा इतना कि बस खाए जाओ। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, मिनटों में बन जाती है। ये स्वादिष्ट और चटपटी चटनी जिसे आप किसी भी रेसिपी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे वो दाल चावल हो या फिर रोटी सब्जी। तो चलिए समय गवाए बिना जानते हैं इस खट्टी मीठी चटनी को बनाना, वो भी आसान और सरल तरीकों से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए पके हुए टमाटर। यहाँ हमने 7 से 8 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे हमने कट कर लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ 1 शिमला मिर्च लिया है, जिसे हमने कट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे यूज कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन इसे डालने से चटनी का स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए आप इसे जरूर यूज करें। इसे ऐसे ही डालेंगे नहीं, बल्कि कटे हुए शिमला मिर्च को तेल में हल्का सा भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और फिर इसे हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी पैन को हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे करीब 2 चम्मच के तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें तड़के के लिए डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर को हमें हाई फ्लेम पे पकाना है, जिसे पकने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस टमाटर की चटनी को बनाएं तो पके हुए टमाटर का इस्तेमाल करें, कच्चे या फिर आधे पके टमाटर का यूज ना करें। जब टमाटर आधे से ज्यादा पक जाएं तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़े से नमक। यहाँ हम थोड़े से ही नमक डालेंगे, ऐसा क्यों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ साथ सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब टमाटर पूरा पक जाए तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इन सब के साथ टमाटर को अच्छी तरह से पका लेना है। जब हमारा टमाटर मसाले के साथ अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें डालेंगे 1 कटोरी शक्कर। यहाँ आप अपने स्वाद अनुसार शक्कर कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टमाटर ज्यादा खट्टे होते हैं तो कुछ कम खट्टे होते हैं। 2 से 3 मिनट चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि शक्कर पिघल चुकी है, जिससे कि चटनी हल्की पतली हो चुकी है। अगर आपको चटनी गाढ़ी पसंद है तो इसे थोड़ा सा पका लें, नहीं तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मुझे चटनी गाढ़ी अच्छी लगती है, इसलिए इसे मैंने थोड़ा सा और पका लिया है। अब लास्ट में हम डालेंगे बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, जिसे हमने शुरुआत में तेल में हल्का भून लिया था। तो तैयार है हमारे स्वादिष्ट चटपटी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। मुझे और मेरे घर में सभी को ये चटनी दाल चावल के साथ बहुत पसंद है, लेकिन आप चाहें तो इसे दाल चावल के अलावा रोटी सब्जी के साथ खा सकते हैं। आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फूडीफाई दी ऑफिशियल के अगले वीडियो में एक शानदार और चटपटी रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।